नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से संबंधित जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के हो सकते थे वह लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन लेकर हम रोज आते हैं और रोज यह आपके मोबाइल तक 8 बजे तक पहुंच जाता है। तो आप डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन से जुड़े रहें और प्रत्येक दिन डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन को देखें। यह आपको हानिकारक, आपके लिए हानिकारक नहीं है। इससे बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो हम आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन पर है, उससे पहले हमारे हाथ में जो रिजल्ट सीट है, पहले हम रिजल्ट की घोषणा कर दे। हम उस रिजल्ट की घोषणा कर दे, 2 दिसंबर को आप लोगों का चूज हुआ था और उसी 2 दिसंबर का क्यूज कॉन्टेस्ट का रिजल्ट हमारे हाथ में है। सबसे पहले जितने भी छात्रों ने क्यूज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, उन सभी को हम अपने तरफ से बधाई देते हैं, उनके प्रति शुभकामना अर्पित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारा अगला क्यूज कॉन्टेस्ट होगा उसमें प्रतिभागियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। पहली बार जब क्यूज कॉन्टेस्ट हुआ था तो उसमें सिर्फ 9 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था। जब दूसरी बार क्यूज कॉन्टेस्ट हुआ तो उसमें कुल 16 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हम उन सभी बच्चों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह कड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और आज सबसे पहले इकाई में संख्या थी, उसके बाद दहाई में गई। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से बढ़कर छात्रों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या सैकड़ों तक पहुंचे। तो हमारे हाथ में जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अनुसार 16 बच्चों का रिजल्ट सीट हमने तैयार किया है। तो इसमें हम नीचे से शुरू करते हैं। 6ठे स्थान पर है अंशु कुमारी और मोहम्मद सरफराज, इन दोनों को 10 में 4 अंक प्राप्त हुए हैं। मोहम्मद सरफराज और अंशु, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करें और अगला जो क्यूज होगा उसमें आप अपने आपका जो प्रदर्शन है उसमें सुधार लाए, उसमें निखार लाए। 5वें स्थान पर रहे हैं गौतम कुमार सिंह और गौतम कुमार सिंह को मिला है 10 में 6 अंक। गौतम, आपका भी जो स्तर है, आपने जो जैसा प्रदर्शन किया है उसको हम बेहतर नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहतर की दिशा में एक प्रयास जरूर है। अगर आप अच्छा प्रयास करेंगे तो आप भी अपने आपका जो स्थान है उसमें आप बढ़ोतरी करेंगे। उसके बाद लवली वर्मा को मिले हैं 10 में 8 अंक और उसके बाद 9 अंकों के साथ 4 प्रतिभागी 2रे स्थान पर है। आप है कमल नयन, विवेक मिश्रा, सलोनी सिंह और हर्षित कुमार सिंह। आप चारों प्रतिभागियों को 10 में 9 अंक प्राप्त हुए हैं और आप इस क्यूज कॉन्टेस्ट में 2रे नंबर पर है और 10 में 10 कुल 7 छात्रों को प्राप्त हुआ है। और इन छात्रों में है जयश्री झा, रिचा ठाकुर, साकेत मिश्रा, पुष्पा कुमारी, जितेंद्र यादव, गौरव शर्मा और संस्कृत शिखा। आप लोगों ने 10 में 10 अंक प्राप्त किया है, यानी कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है, आप लोगों का जो प्रदर्शन है अति उत्तम है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है प्रदर्शन है, आप जिस स्थान पर काबिज है उसी स्थान पर आप हमेशा काबिज रहे, हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और जिन छात्रों ने क्यूज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, हम उन छात्रों के लिए कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट बीएचयू के एंट्रेंस में बैठकर टॉप कर जाएंगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वहम में हैं। आप अपने दिमाग से इस वहम को निकाल दें। छोटी छोटी कंपटीशन को फेस करने के बाद ही, छोटी छोटी प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने के बाद भी हम एक दिन शीर्ष पर पहुंचते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि छोटी छोटी सफलताओं से ही बड़े बड़ी जो हमारी मंजिल है वहां तक पहुंचा जाता है। तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए क्यूज करेंगे। आपको अगर लगता है कि यह आपके लिए अति उपयोगी है, आप पार्टिसिपेट करें।
अगर आपको उपयोगी नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी बच्चा अगर क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगा तो हम उसके लिए भी नियमित तौर पर क्विज कॉन्टेस्ट करवाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे वह सब अभी हम 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? तो यह किया गया 3 दिसंबर को, और यह कहां किया गया? तो उड़ीसा में चांदीपुर तट पर किया गया। और पृथ्वी 2 क्या है? पृथ्वी 2 जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और यह परमाणु हथियार को ढोने में भी सक्षम है। और हम आपको बता दें कि इस तरीके की प्रथम जो पृथ्वी 2 है उसका प्रक्षेपण 27 अगस्त 1996 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जवाब है सफल परीक्षण कब हुआ? तो 3 दिसंबर को इसका सफल परीक्षण हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो जिन्हें निर्वाचित किया गया है उनका नाम है मात्सुसु अस्वाका। मात्सुसु अस्कावा, और ये जो है मात्सुसु अस्कावा जापान के है, और यह एशियाई विकास बैंक के 10वें अध्यक्ष है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? हम इसे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुके हैं। जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके लिए है, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय मनीला में स्थापित किया जाता है जो कि फिलीपींस में अवस्थित है। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ताकेशी बाटा नाबे इसके पहले अध्यक्ष थे। और एशियाई विकास बैंक के सदस्यों देशों की संख्या कुल कितनी है? तो 68 है, जिसमें 48 एशिया के देश है और 20 अन्य महाद्वीप के देश है। और इसका जो अध्यक्ष है आज तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं उन सभी का संबंध जापान से ही रहा है। जापान इस पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए, क्यों? क्योंकि इस बैंक में सबसे ज्यादा शेयर जापान का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने 6वीं बार वैलेंटीनियर अवार्ड जीता? तो ये अवार्ड जीता है लियोनल मेसी ने। अगर आप फुटबॉल के प्रशंसक हैं, अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आपको इस खिलाड़ी के बारे में पता होगा। यह अर्जेंटीना का फुटबॉलर है, उसको इसको फुटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है। और ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है बार्सिलोना। तो ये बार्सिलोना के तरफ से भी खेलते हैं। अभी यहाँ पे एक टर्म आया है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के है और अर्जेंटीना के तरफ से खेलते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। और इसका करेंसी क्या है? तो अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो, और 1 पेसो बराबर 1.19 भारतीय रुपया के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और चाइना के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और प्रत्येक साल ये क्यों मनाया जाता है? तो जो लोग फ्री में समाज सेवा कर रहे हैं या किसी भी तरीके के सेवा से संबंधित है तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए प्रत्येक साल 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक साल इसका एक थीम निर्धारित किया जाता है। तो इस बार यानी कि 2019 का जो अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विगत 4 दिसंबर को बॉब विलिस का निधन हो गया, ये कौन थे? तो बॉब विलिस इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान थे और ये फास्ट बॉलर थे। और इनका जो सफर है क्रिकेट में
वो 1971 को शुरू हुआ था और 1982 को इनका क्रिकेट का सफर समाप्त हो गया। लंबी बीमारी के बाद, कैंसर की बीमारी के बाद 4 दिसंबर को इनका निधन हो गया है। इनका एक उपनाम भी था और इनको गूज के नाम से जाना जाता था। दरअसल गूज है क्या, तो गूज इंग्लैंड की एक पक्षी का नाम है जो काफी तेज तर्रार होती है। चूंकि ये तेज गेंदबाज थे इसलिए इनको गूज के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, प्रधानमंत्री ने किस देश को भारत में निर्मित तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जहाज उपहार स्वरूप दिया है, किस देश को दिया है, तो उस देश का नाम है मालदीव। मालदीव को तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप मिला है भारत के तरफ से। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह भी मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है। मधु ऐप लॉन्च स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है और यह प्रथम क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। तो किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका नाम नवीन पटनायक है। और नवीन पटनायक किस पार्टी से है, तो नवीन पटनायक बीजू जनता दल से हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो इसकी शुरुआत जो है हरियाणा के पानीपत से हुई थी। और कब हुई थी, तो इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया। इस देश में बेटी कितना सुरक्षित है आप लोगों से छिपा नहीं है। बहरहाल हमारा काम पढ़ाना है, बस हम आपको बता दिए कि इस योजना की शुरुआत हरियाणा से की गई थी, हरियाणा के पानीपत से, और 22 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब दिए चले। प्रीवियस वीडियो के का पहला क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे, यानी कि प्रथम नौसैनिक प्रमुख। तो उनका नाम था रियर एडमिरल जेटीएस हॉल। और दूसरा क्वेश्चन था कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है, तो उसकी मुद्रा का नाम रूबल है। और तीसरा क्वेश्चन था स्वीडन की राजधानी कहाँ है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो आज का पहला प्रश्न है, आपको पहले प्रश्न का जवाब देना है कि पृथ्वी 2 संस्करण का जो मिसाइल है उसका पहली बार प्रक्षेपण कब किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। वीडियो में हमने आपको बताया है, ध्यान से सुनना, अगर आपने सुना होगा तो आपको याद होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि इस बार जो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जा रहा है उसका थीम क्या है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जो भी कमेंट, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 2 क्यूज अभी तक आपका आयोजित हो चुका है, अब आपका अगला क्यूज जो होगा उसके तिथि के बारे में हम बहुत जल्द ही घोषणा करेंगे। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।